A very good morning to all the students of class 4. Today in English, I am going to teach you lesson number 6. The name of the lesson is The Cactus, a Desert Plant. Okay? So, हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? कैक्टस के बारे में. कैक्टस कौन सा प्लांट है जो डेजर्ट एरिया में उगता है, मतलब रेगिस्तान इलाके में उगता है. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, वी आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी. डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट हैज़ अ वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स. डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत कम पानी होता है, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे ग्रो कैसे होंगे. ओके, सो फर्स्ट, कैन यू नेम एन एनिमल दैट इज कॉल्ड द शेप ऑफ द डेजर्ट? शेप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा जाता है? कैमल को. ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके, द पिक्चर ऑफ कैमल इज गिवन हियर. कैन यू नेम अ प्लांट दैट ग्रोज इन द डेजर्ट एंड गिव्स अस फ्रूट टू ईट? ऐसा कौन सा प्लांट है जो डेजर्ट में उगता है और हमें खाने के लिए फ्रूट्स देता है? इट्स डेट पाम. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन. द कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट. कैक्टस कौन सा प्लांट है? एक रेगिस्तान में उगने वाला प्लांट है. इट इज अ प्लांट दैट हैज नो लीव्स. ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी कोई पत्तियां नहीं होती हैं. इट हैज़ ओनली अ फ्लैशी स्टेम. उसका कैसा है? एक मतलब थिक, मोटा सा और सॉफ्ट सा क्या होता है? स्टेम, मतलब उसका ये वाला जो पोर्शन रहता है ना, दिस इज कॉल्ड स्टेम. तो वो मोटा सा और बहुत सॉफ्ट सा रहता है. द स्टेम इज कवर्ड विथ प्रिकली स्पाइंस. और वो जो स्टेम रहता है उस पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे कांटे काइंड ऑफ लगे हुए होते हैं. कैक्टस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो पूरा ग्रीन कलर का रहता है, उस पर कोई भी लीव्स नहीं रहती, बस ऐसे कांटे कांटे लगे हुए रहते हैं. As you can see in this picture, different kind of cactus are given. Okay, cacti. Cacti क्या होता है? Plural of cactus. Cactus का plural form होता है cacti. Cacti grows in deserts and other dry places. Cacti कहाँ उगता है? Desert, रेगिस्तान और ऐसी जगहें पे जो सूखी जगहें रहती है, जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता है. During the rainy season, their long roots take up moisture and store it in their stems. और rainy season मतलब बारिश के टाइम पे क्या होता है कि उनकी जो स्टेम रहती है, उनकी जो रूट्स रहती है, वो क्या करती है? बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मतलब नमी क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है कहाँ पे? उनकी स्टेम में. दीज स्टेम्स हैव थिक हार्ड वॉल्स. और इनकी जो स्टेम्स रहती हैं, इनके जो ये तने रहते हैं, वो क्या करते हैं? उनकी मतलब ऐसी मोटी मोटी और टाइट टाइट वॉल्स रहती हैं. दे आर स्पंजी इनसाइड. और वो अंदर से स्पंजी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं. ऑन द आउटसाइड दे हैव अ वैक्सी कोटिंग. और बाहर से वो कैसा होता है? मतलब वैक्स जैसा कोटिंग होता है. बाहर से उनकी लेयर्स कैसी होती है? वैक्स जैसी होती हैं. इट मेक्स दीज प्लांट्स वाटर प्रूफ. और ये जो प्लांट मतलब ये जो वैक्स की तरह उनका होता है, मतलब जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, वो उसकी वजह से कैसा बना देते हैं? उनको वाटर प्रूफ बना देते हैं. द कैक्टस प्लांट्स डोंट हैव एनी लीव्स. कैक्टस प्लांट का कोई भी लीव नहीं होता है. इंस्टीड ऑफ लीव्स दे हैव स्पाइंस. लीव्स की पत्तियों की जगह उन पे क्या लगे हुए होते हैं? कांटे लगे हुए होते हैं. ईच प्लांट कैन हैव एज मैनी एज 50,000 स्पाइंस. और किसी भी कैक्टस के प्लांट पे 50,000 जितनी कांटे लगे हुए होते हैं. दी स्पाइंस सेव द प्लांट फ्रॉम डेजर्ट एनिमल्स. और ये जो स्पाइंस रहते हैं, वो प्लांट को किससे सेव करते हैं? डेजर्ट एनिमल्स मतलब रेगिस्तान में रहने वाले जो जानवर रहते हैं, वो कैक्टस को ना खा सके, इसलिए उन पे ऐसे स्पाइंस रहते हैं. The cactus is curious looking plant. It is unlike any other plant. Some plants of this family are very tiny and some grow 15 meters high. Cactus ऐसे plant है जो मतलब easily देखने में हमें नहीं मिलते हैं, मतलब इतने अच्छे नहीं लगते हैं दूसरे plants की जगह. और जो कुछ मतलब cactus family में जो कुछ plants हैं, वो कुछ कुछ तो बहुत ही छोटे होते हैं और कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े भी height के होते हैं, जो 15 meters भी लंबे होते हैं. इन शेप दीज प्लांट्स कैन हैव मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. और शेप्स में भी उनका फॉर्म अलग अलग होता है. दे कैन बी लाइक ट्रीज, पाइप, बैरल्स, कैंडल्स, हैट्स, टॉर्चेस, कैटरपिलर्स और पीसेज ऑफ मशीनरी. वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे ट्रीज जैसे, पेड़ जैसे, पाइप्स जैसे, बैरल्स जैसे, कैंडल्स जैसे, हैट्स जैसे, टॉर्चेस जैसे, कैटरपिलर्स जैसे भी हो सकते हैं, और पीसेज ऑफ मशीनरी और मशीन्स के पीसेस की तरह भी हो सकते हैं. We are going to read about the different kinds of cacti. Okay, a CHOLLA, cholla. It is pronounced as cholla.
अचोया कैक्टस हैज द मोस्ट प्रिकली स्पाइंस. ये जो कैक्टस होता है इसमें सबसे ज्यादा तीखे क्या होते हैं, कांटे होते हैं. दीज स्पाइंस कम ऑफ सो इजीली दैट कैन सी जंप टू एट द पासर्स बाय. वो इतनी इजीली निकल कर गिर जाते हैं कि आसपास में भी कोई निकलता है तो उन पर भी वो गिर जाते हैं. पैक रेड्स पाइल अप चोया स्टेम्स एट द एंट्रेंस ऑफ देयर बुरो. तो जो रेड्स होते हैं जो कहाँ पे मिलते हैं, अमेरिका में कुछ नॉर्थ अमेरिका के कुछ ऐसे जो रेड्स होते हैं, जो चूहे होते हैं जिनका जो टेल रहता है वो बहुत बूशी रहता है, ठीक है. तो वो क्या करते हैं अपने जो उनके जो बिल रहते हैं उसके एंट्रेंस पे ये वाले कैक्टस लगा देते हैं. द स्टेम्स प्रोटेक्ट देयर होम्स फ्रॉम इन्वेडर्स. तो ये जो स्टेम्स हैं वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं, उनके घर में घुसने वाले दूसरे जानवरों से प्रोटेक्ट करते हैं, ओके, जो उनके घर में आके अटैक कर सकते हैं. नेक्स्ट SAGUARO, इट इज़ प्रोनाउंस एज सेगवारो, ठीक है. सेगवारो कैक्टस इज टॉल लाइक अ ट्री. ये कैसा होता है, लंबा होता है एक पेड़ की तरह. इट हैज़ ब्रांचेस दैट ग्रो अपवर्ड. इनकी जो ब्रांचेस रहती है वो क्या करती हैं, ऊपर की तरह उगती हैं. द स्टेम इज प्लीटेड लाइक अ अकॉर्डियन. किसकी तरह होता है कि मतलब वो किस तरह से फोल्ड होता है, कि जैसे अकॉर्डियन, अकॉर्डियन मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उस तरीके से वो फोल्डेड होता है. इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर. और ये वाले जो सेगवारो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी का अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं. इट प्रोड्यूसेस वाइट फ्लावर्स फॉलोड बाय रेड फ्रूट्स. ये कौन से कलर के फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और उनमें रेड कलर के फ्रूट्स लगते हैं. नेक्स्ट आर बैरल. अ बैरल कैक्टस इज फेट एंड राउंड इन शेप. इट इज कवर्ड ऑल ओवर विद स्पाइंस. बैरल कैक्टस एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस वन इज द बैरल कैक्टर, ओके. सो ये कैसे होते हैं, राउंड होते हैं और मोटे होते हैं, जिनके आसपास पूरी जगह क्या लगे होते हैं, कांटे लगे हुए होते हैं. थाउजेंड्स ऑफ रूट स्प्रेड आउट अंडर द ग्राउंड. और नीचे मतलब ज़मीन के अंदर बहुत लंबी लंबी हज़ारों की संख्या में क्या होती है, इनकी रूट्स मतलब जड़ें फैली हुई होती है. द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड टेक इट टू द बैरल अबव. और वो रूट्स क्या करती हैं, पानी को ऑब्जर्व करती हैं और कहाँ तक लेके जाती हैं, बैरल के तक लेके जाती हैं. लाइक द सेगवारो इट्स साइड स्ट्रेच टू स्टोर वाटर. सेगवारो की तरह उसका साइज कैसे बढ़ता है, पानी जब उसके अंदर स्टोर होता है तो उसका साइज बढ़ता जाता है. द साइड श्रिंक एज द वाटर इज यूज अप. और जो उनका साइड एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो कम होता जाता है जैसे ही पानी का यूज़ पूरा हो जाता है. देयर आर ओवर 2000 टाइप्स ऑफ कैक्टस. पूरे मतलब डेजर्ट में अगर देखा जाए तो 2000 टाइप्स ऑफ कैक्टस होते हैं अलग अलग तरह के. ईच टाइप हैज़ अ स्पेशल वे टू स्टोर वाटर. और हर तरह के अगर 2000 तरह के कैक्टस हैं तो हर कैक्टस में अलग अलग तरह मतलब एक स्पेशल वे होता है पानी को स्टोर करने के लिए. द कैक्टस फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्रिलियंट इन कलर. कैक्टस फ्लावर्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. दे ग्रो सिंगली. कैक्टस ब्लूम्स ओनली वंस एवरी 5 years. और उसके जो फ्लावर होता है वो एक कैक्टस पे एक ही उगता है और पूरे 5 साल में एक बार वो जो कैक्टस फ्लावर है वो क्या करता है, ब्लूम करता है, मतलब फ्लावर्स उसमें उगते हैं. द कैक्टस प्लांट्स व्हेन दे ब्लूम फिल द डेजर्ट विद अ फीस्ट ऑफ कलर्स, येलो, रेड, रोज एंड वाइट. तो जो कैक्टस प्लांट्स हैं अगर वो मतलब उस पर फूल उगते हैं तो वो पूरे डेजर्ट को किस तरीके से सजा देता है, येलो, रेड, रोज कलर और वाइट कलर के फ्लावर्स से वो सजा देता है. सम कैक्टसेस आर ग्रोन फॉर देयर जूसी फ्रूट्स. कुछ कैक्टस किस लिए उगाए जाते हैं, उनके जूसी फ्रूट्स के लिए. दे आर यूज इन मेकिंग मेडिसिन ऑल्सो. और कुछ कैक्टस मेडिसिन बनाने के लिए भी काम में लिए जाते हैं. कैक्टाई हैजेस सर्व एज गुड बैरियर्स. ठीक है, कैक्टाई के जो हैजेस, हैजेस मतलब क्या होता है, रोज ऑफ क्लोज ग्रोइंग बुशेज और स्मॉल प्लांट्स दैट सर्व एज अ बैरियर. मतलब किसी चीज़ की आड़ लगाने के लिए भी कैक्टस के प्लांट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं. मैनी पीपल लव टू ग्रो कैक्टाई इन देयर होम्स. बहुत सारे लोगों को कैक्टस को घर में उगाने का पसंद होता है. टू हैव द बेस्ट रिजल्ट्स अ कैक्टस शुड बी प्लांटेड अमंग ब्रोकन ब्रिक्स लाइन एंड स्टैंड. जो एक कैक्टस है वो किसके साथ उगाना चाहिए, टूटी हुई ईंटों के साथ, लाइम के साथ और मिट्टी के साथ. इट शुड बी वाटर्ड ओनली वंस इन और 2-3 weeks. और उनको कभी हमें मतलब एक बार ही 2 या 3 हफ्तों में पानी देना चाहिए. ओके, सो दिस वॉज द लेसन नंबर 6 ऑफ योर इंग्लिश. द नेम ऑफ द लेसन वॉज द कैक्टस ऑफ डेजर्ट प्लांट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.